नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी जो आज से कुछ मंथ पहले आई थी, लेकिन अब वापस उस वैकेंसी का लिंक ओपन हुआ है जिसके अंदर न्यू कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो अपने सेंटर को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि जो पहले रह गए थे उन बच्चों को अब और चांस मिल रहा है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली नर्सिंग कंप्लीट करी है और जो फॉर्म्स के अंदर अपडेट नहीं कर पाए हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने पहले सेंटर अपडेट नहीं किए थे वो अपडेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी चीज ये निकल के सामने आई है कि जो केजीएमयू का पेपर है वो अब सीबीटी नहीं होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, वो ओएमआर सीट पे होगा, पेन पेंसिल मोड के अंदर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये एग्जाम होने जा रहा है 26 नवंबर 2023। और क्या क्या अपडेट्स है मैं आपको डिटेल में वीडियो के अंदर बता देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग टू केजीएमयू की वेबसाइट पे जाके वो आप अपडेट्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। नंबर वन चीज मैंने आपको पहले ही इसके अंदर बता दी है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके रिवाइज हुए हैं, और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया है वो अब इसके अंदर अपने जो सेंटर है वो अपडेट कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जो आपके ऑनलाइन जो सेंटर्स हैं वो आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा 7 दिनों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो वापस ओपन किया गया है, रीओपन किया गया है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। और जो एग्जाम डेट है, जो एग्जामिनेशन डेट है वो 26 नवंबर 2023, यानी केजीएमयू का अब जो आपका एग्जाम डेट है, जो एग्जाम होने जा रहा है वो 26 नवंबर 2023 को होने जा रहा है। और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो www.kgmu.org पे जाके वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या इसके अंदर नया अपडेट है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी जो इसके अंदर आपके अपडेट आई है वो ये है कि जो एग्जाम होगा वो आपका पेन पेपर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट ऑन ओएमआर सीट, ओएमआर के ऊपर आपका टेस्ट होगा। बच्चों ये पेपर आप लोगों ने काफी दिनों से दिया नहीं होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो बहुत ध्यान से ये एग्जाम देना, क्योंकि इसके अंदर एक बार अगर आपने राउंड कर दिया, मतलब जो गोले होते हैं उनको अगर आपने फिल कर दिया तो दोबारा आप उसको ठीक नहीं कर सकते। सीबीटी के अंदर तो आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि आप आंसर को रिव्यू कर सकते हैं, बाद में उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, ठीक है। तो अब जो केजीएमयू का जो पेपर होगा वो ओएमआर शीट पे होगा, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो नहीं होगा। इसके अंदर आपके 100 MCQs आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके 100 MCQ होंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो पहले थी वैसे ही आपकी 1 मार्क विल बी गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है आपकी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका आंसर है तो करेक्ट है आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर इनकरेक्ट आपका आंसर है तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। इसके अलावा जो बाकी के जो कंडीशंस हैं वो आपकी सेम रहेगी। जो सेंटर जो है आपके वो कहाँ कहाँ इसके होंगे, जो रिवाइज अवेलेबिलिटी है वो लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद और गोरखपुर, ये आपके रिवाइज जो सेंटर है इनकी अवेलेबिलिटी हुई है। इसके अलावा जो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है इन्होंने यहाँ पे लिखा है 10 डेज के लिए रीओपन है, और न्यू एप्लीकेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो नए बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रीवियसली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ केजीएमयू की वेबसाइट पे जाके लॉगिन वगैरह करके आप अपने सेंटर अगर आपने पहले चूज नहीं किया तो वो चूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर है। जो एग्जामिनेशन डेट है ओएमआर की वो आपकी है, ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू एग्जामिनेशन इज 26 नवंबर 2023। तो ये सारी अपडेट्स आई है केजीएमयू वैकेंसी को लेके। आज ही आप www.kgmu.org ऑर्गेनाइजेशन पे जाके आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। केजीएमयू अपकमिंग नोटशीट 6-7 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके बैचेज हैं वो सारी ब्रांचेज पे, नर्सिंग एक्सपर्ट पे स्टार्ट हो रखे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट से इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9268444000 या 9278444000 पे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।